हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ठाकुर जी टेक्निकल में। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास दो फ़ोन हैं। एक तो है iPhone 14 Pro Max, जैसे कि आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट लॉन्च हुआ था iPhone 14 Pro Max, जो कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में। और एक है Samsung का S22 Ultra। जी हाँ दोस्तों, S22 Ultra ये भी किलर फ़ोन है, ये भी यहाँ पे फ्लैगशिप फ़ोन में आता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोनों ही बहुत ही बड़ा है और बहुत ही किलर फ़ोन है। तो आज हम करने वाले हैं दोनों में स्पीड टेस्ट की, कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है, कौन सा जीतता है कौन सा हारता है। लेट्स सी कि देखते हैं कौन सा यहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देता है, कौन सा सेम ऐप दोनों में रन करेंगे, सर्च ही सेम करेंगे दोनों में, देखेंगे कि कौन सा जीतता है। तो अगर आपका भी कंफ्यूजन है कि हाँ S22 अल्ट्रा सही है या फिर iPhone 14 Pro Max सही है, तो कौन सा जीतेगा देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको भी जानना है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, ये है iPhone 14 Pro Max, जो कि देख सकते हो यहाँ पे अभी लॉन्च हुआ है, वर्ल्ड वाइड लॉन्च हुआ है iPhone 14 Pro Max। ये भी बहुत ही धांसू फ़ोन है और बहुत ही किलर फ़ोन है। तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन। सो गाइज, ये है Samsung Galaxy S22 Ultra। ये भी काफ़ी कमाल का फ़ोन है, काफ़ी फ्लैगशिप फ़ोन है, तो ये भी काफ़ी किलर फ़ोन रहता है। तो ये भी काफ़ी कमाल का फ़ोन है। तो इसका कुछ स्पेसिफिकेशन देख सकते हो आप स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप देख लो। सो गाइज, आईफोन में आता है एक फीचर जो कि डायनेमिक आइलैंड है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कितना अमेजिंग है ये। बात करते हैं S22 Ultra का, तो इसमें भी आपको देखने को मिलता है S Pen, as you can see here कि यहाँ पे S Pen है। तो ये भी काफ़ी यूजफुल चीज़ है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो काफ़ी यूजफुल चीज़ें रहती है ये भी, तो काफ़ी कमाल का है ये भी। तो देख सकते हो आप नोट्स वगैरह बना सकते हो, तो ये भी काफ़ी बवाल चीज़ है और काफ़ी यूजफुल आता है। इसमें भी ये S Pen है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो गाइज, हम सबसे पहले दोनों फ़ोन को ऑफ़ करेंगे। तो सबसे पहले आईफोन को ऑफ़ करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इसे भी ऑफ़ कर देते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों फ़ोन को ऑफ़ करते हैं। ऑफ़ करके ऑन करेंगे, टेस्ट करेंगे दोनों फ़ोन को।
सो गाइज दोनों फ़ोन में हमने टेस्ट कर लिया, जो भी टेस्ट था वो हमने दिखा दिया आपके सामने। कोई ऐप इसमें जल्दी ओपन हो रहा था, कोई ऐप इसमें ओपन हो रहा था, तो दोनों फ़ोन यहाँ पे ठीक ठाक है, दोनों फ़ोन सेम ही वर्क कर रहे थे। बट थोड़ा किसी केस में जल्दी से आईफोन वर्क कर रहा था, किसी केस में यहाँ पे सैमसंग S22 अल्ट्रा वर्क कर रहा था। और क्वालिटी मैंने आपको दिखा दिया, वीडियो क्वालिटी वगैरह हर चीज़ दिखा दिया, किसका क्वालिटी क्या है क्या नहीं है, जो सेटिंग इसमें था ये सेटिंग इसमें भी था, 5G नेटवर्क से कनेक्ट था, 5G ये भी फ़ोन है, 5G ये भी फ़ोन है, तो दोनों का कनेक्टिविटी सेम है, हर चीज़ सेम है। और ये चीजें आप पे डिपेंड करता है आईफोन 14 प्रो मैक्स लोगे या फिर S22 अल्ट्रा लोगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं आपको बताता हूं कौन सा ले सकते हो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मुझे खास करके यहां पे आईफोन 14 प्रो मैक्स ज्यादा यहां पे बेटर लगा मुझे। S22 अल्ट्रा की बात किया जाए तो ये भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट यहां पे लुक और डिजाइन यहां पे सही है, दोनों फोन का सही है, बट इसका भी प्राइस यहां पे 1,07,000 है और इसका प्राइस 1,40,000 है, तो यहां पे डिफरेंस यहाँ पे समथिंग यहाँ पे 30,000 का डिफरेंस आता है। तो इट्स डिपेंड ऑन यू कि कौन सा आप फोन खरीदोगे। आई होप गाइज ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर कोई भी आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।